हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन आप गूगल शीट में कैसे करेंगे और स्टॉक के लिए तो जरूरत होता है क्योंकि स्टॉक का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन आपको पता नहीं तो स्टॉक का मूवमेंट के बारे में आपको पता नहीं चलेगा। तो स्टॉक का मूवमेंट यानी फ्लक्चुएशन वोलेटिलिटी के बारे में वन डे बेसिस का ऊपर नीचे का जो रेंज होता है वो सारे के सारे कैलकुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन से हमें पता चलता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ना किसी भी स्टॉक का आपको डाटा हिस्टोरिकल डाटा आपको देखना पड़ेगा और एनालिसिस करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, तो आपको इस शीट में मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आपको कैलकुलेशन करना है। तो फर्स्ट आपको जाइए जहां पर आपने, मैंने यहां पर स्टॉक सिलेक्टिव स्टॉक रखा है, जो भी स्टॉक आप सिलेक्टिव स्टॉक आप वो काम करने के लिए चाहते हैं तो आप उसको रख सकते हैं। तो न्यू शीट में आपको क्या करना है ना, वो सारे के सारे स्टॉक को आपको एक साइड में आपको रख देना है। तो इसके बाद आपको क्या करना चाहिए ना कि डाटा वैलिडेशन आपको निकालना पड़ेगा। तो इसमें आपको डाटा वैलिडेशन में जाइए, डाटा वैलिडेशन ऑप्शन है, इसमें आप क्लिक कीजिए, इसमें ऐड रूल में जाइए, तो इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट में ड्रॉप डाउन फ्रॉम रेंज कीजिए और इसमें आपको सारे के सारे जो स्टॉक है इसमें आपको सिलेक्शन कर दीजिए। ये स्टॉक सिलेक्शन हो गया, ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपको इसमें क्या होगा ना, देखिए एक ड्रॉप डाउन लिस्ट इसमें ओपन हो गया, ये सारे के सारे ड्रॉप डाउन लिस्ट में सारे के सारे स्टॉक आ गया। तो आपको क्या करना चाहिए ना, किसी एक स्टॉक को आप, वो किसी भी स्टॉक को आप सिलेक्शन कर सकते हैं। मैं अभी के लिए अमर राजा बैटरी को सिलेक्शन कर रहा हूं, तो अमर राजा बैटरी अभी मुझे सिलेक्शन करना है। तो इसके लिए मुझे एक फॉर्मूला इसमें लगाना है, तो इसमें मैंने एक लिख देता हूं स्टॉक, इसमें मैंने स्टॉक लिखा, तो इसमें मैंने स्टॉक लिख दिया, तो ये स्टॉक हो गया। तो इसको मैंने एक कलरिंग कर देता हूं और यह हो गया मेरा स्टॉक। तो इसमें मुझे एक फॉर्मूला लगाना है, तो फॉर्मूला क्या है ना, मुझे जो फॉर्मूला लगा है आप वीकली और डेली बेसिस का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। तो ये इसमें मैंने पहले से ही एक फॉर्मूला लगा कर रखा था, इसको मैंने कॉपी कर लिया और इसमें मैंने वही फॉर्मूला इस सेल में लगा देता हूँ। ये लगाने के बाद क्या होता है ना, ये वीकली है, वीकली को मैं डेली कर देता हूँ, डेली बेसिस का डाटा मुझे चाहिए। और इसमें मैंने क्या किया ना, C2 कर देता हूं, ये जो है C2, क्योंकि C2 का डाटा, ये जो डाटा है सेल का है C2, जिसमें अमर राजा लिखा गया है। तो ये हो गया आपका डाटा हो गया, तो ये डाटा को मैंने एंटर कर दिया। एंटर करने से क्या होता है ना, पूरे के पूरे ओपन हाई लो क्लोज वॉल्यूम सारे के सारे डाटा आ गया। तो इसमें हमें किसी भी स्टॉक का हम निकाल सकते हैं डाटा। देखिए बजाज ऑटो लगाया, सारे के सारा बजाज ऑटो के आ गया। एक्सिस बैंक का लगाया, सारे के सारे एक्सिस बैंक का डाटा आ गया। तो हमें क्या करना चाहिए, अभी स्टैंडर्ड डेविएशन देखना चाहिए। तो हर स्टॉक का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, तो उस स्टॉक का स्टैंडर्ड डेविएशन हमें कैसे कैलकुलेशन करना है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन देखना चाहिए, तो इसमें मैंने SD लगाया स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। तो इसमें मैंने फॉर्मूला लगाया, स्टैंडर्ड डेविएशन लगाने से इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। तो इस स्टैंडर्ड डेविएशन में मैंने क्लिक किया और मुझे क्लोज प्राइस जो है, इस क्लोज प्राइस का मैंने 20 डेज, 30 डेज, 90 डेज, 1 ईयर के लिए 200 आप ले सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना निकाल कर देखना चाहते हैं। मैंने 1 मंथ का निकालना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा ना, 20 पीरियड आपको डे बेसिस का देखना चाहिए, 20 डेज, क्योंकि 1 मंथ का ट्रेडिंग पीरियड 20 डेज होता है। तो इसलिए मैंने 20 डेज इसमें सिलेक्शन किया, तो मैंने 23rd तक में ले गया डाटा। देखिए इसमें मैंने क्लिक किया और मैंने ओके कर लिया। ओके करने से क्या होता है ना, सारे के सारे स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें आ गया। तो इस स्टैंडर्ड डेविएशन में मुझे क्या करना चाहिए ना, तो डाटा आ गया, तो जो डाटा आ गया उस डाटा को मैंने क्या किया ना, देखिए मैंने इसमें जो डेसिमल नंबर है मैंने छोटा फॉर्मेट ले आया। ओके, ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एक्सिस बैंक का 10 जो ये होता है पॉइंट होता है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो इसमें हमें पता लगता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो एक्सिस बैंक का है 1 मंथ का अभी है, वो 10 का बराबर होता है, 10 से 13, मैक्सिमम 10 से 15 ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, माने वन डे बेसिस में यानी इंट्राडे बेसिस में इसका मूवमेंट जो है वो 10 टाइम 10 पॉइंट्स ऊपर जा सकता है या 10 पॉइंट नीचे आ सकता है, 10 से 15 ज्यादा से ज्यादा। तो इसका मूवमेंट के बारे में हमें कैलकुलेशन करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, एक जरूरी होता है। तो इसलिए हमें किसी भी स्टॉक का, अभी जितने सारे स्टॉक लगाया है या इंडेक्स लगाया है, जो भी कुछ आप क्लिक करेंगे आपको डिटेल्स आ जाएगा। अभी निफ्टी का स्टैंडर्ड डेविएशन 120 है, यानी हर डे में इंट्राडे बेसिस में 120 पॉइंट ये मूवमेंट कर सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। इसमें हमें क्या पता चलता है ना, उसका मूवमेंट के बारे में पता चलता है, किसी स्टॉक या इंडेक्स का मूवमेंट के बारे में पता चलता है।
तो आज का जो क्लास था स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर था। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे गूगल शीट में निकालेंगे, किस स्टॉक के ऊपर नीचे या स्टैंडर्ड डेविएशन में कैसे पता लगेगा, इसके बारे में आज का क्लास था। थैंक यू सो मच।